गुड आफ्टरनून जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन. टुडे वी आर ऑन चैप्टर नंबर 1 डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स. सो आज से हम जो एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, असाइनमेंट आज जो ऑथर हमें देने वाली है, वो कंटिन्यूस हमारी पूरी जर्नी में ही नहीं, थ्रू आउट आर लाइफ करते रहने के लिए ये असाइनमेंट है. रोज़ सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, कैसे करनी है, किस फॉर्मेट में लिखनी है, उसके बाद क्या क्या करना है उस लिखे हुए सेंटेंस के साथ में, वो सब चैप्टर में पढ़ेंगे. बिफोर दैट हु ऑल डिड आई मीन हु ऑल रोट योर ड्रीम्स, सबके हो गए नहीं हुए तो आज डेफिनेटली सब लोग लिख लो. बिकॉज एक बार ड्रीम्स लिखोगे आप लोग, उसके बाद ही अफर्मेशन स्टार्ट होंगे. अफर्मेशन लिखने में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगने वाले हैं वाला है, क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं है अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने की, तो बहुत सारी गलतियाँ होने वाली है. फिर वो वापस क्या बोलते हैं री रिकॉर्ड करने वाले हो, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है उसमें. सो डे 13 तक हमको प्रिपेयर्ड रहना है अपने अफर्मेशंस के साथ में. जितनी जल्दी आप बना लोगे अपने ऑडियोज, उतनी जल्दी सुनने लगोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे. सो दैट्स द थिंग. आ गए अंजू जी भी आ गए. मोनिका जी आपने लिख लिए? हाँ अपनी बात हुई थी, राइट लिख लिए. अंजू जी ने लिख लिए, इन्होंने मुझे सुना दिए. चलो गुड, मैंने लिख ली. हाँ गुड गुड. नीरू भाभी आपने लिख लिए? यू आर ऑन म्यूट इफ यू आर आंसरिंग. ओके चलो. Maybe she is little away. Yeah, mute. हाँ लिख ली मैंने भी. Good, 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 good. Hi, Chinky. Good to see you. Hello. Welcome. Thank you. सो डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स. आज की पिक्चर एक जर्नल रखी हुई है, एक पेन रखा हुआ है और उसके ऊपर कुछ 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 मैजिक हो रहा है. सो अच्छा यू हैव समथिंग टू से, यू हैव रेज्ड योर हैंड. सॉरी संचिता, संचिता या वो पहले का है? पहले का है दी, अब नहीं है. ओके ओके या सो उसके ऊपर कुछ कुछ मैजिक आ रहा है. सो ऐसे ही डेली हम लोगों को भी जर्नल लिखने की आदत अब आज से डालनी है. जर्नल में क्या लिखना है उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन लिखना ज़रूर है. लिखने से ही आपके 33% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन के. सो वंस यू राइट, वो रोज़ रोज़ हम जब लिखेंगे ये वाली आज का चैप्टर हमें सिखाएगा कि 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है रोज़ उठ के. तो वो जब रोज़ रोज़ लिखोगे आप, रोज़ एक न्यूरो पाथवे बनाओगे अपने फिंगर से लेके सबकॉन्शियस माइंड में. तो रोज़ जब एक ही एक चीज़ करेंगे अपन, तो फाइनली वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी. जब हम लोग स्कूल में थे तो टीचर्स कहती थी कि कोई गलती हो जाती थी तो हमें कहती थी राइट इट 100 times. क्यों कहती थी? क्योंकि कोई चीज़ अगर हमने 100 बार लिख ली, इसका मतलब वो एक पूरी यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में. सो सिमिलरली काउंट योर ब्लेसिंग्स कर करके, डेली करके, 10 ब्लेसिंग्स रोज़ लिख के हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेटफुलनेस का. उसके बाद में हमें डेलिब्रेट एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे ग्रेटफुल होने के. सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ग्रेटफुलनेस की चीज़ें ढूंढेगा, अट्रैक्ट करेगा और हमें ग्रेटफुल ही बनाए रखेगा. ओके, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? रीडर रीडर. आई हैव अ बैकग्राउंड नॉइज, इफ नॉट आई विल ऑफ दैट. ओके ओके नो प्रॉब्लम. आई एम स्टिल रेडी. ओके I'm obliged. No obligations here, of course. But yeah, if nobody else wants to, I'm still available, right? कोई नया रीडर चाहता है, I mean someone else would like to read. Otherwise, Meenu तो है ready. नहीं, किसी का भी background noise ये सब वो नहीं है control में. चल आजा शुरू कर मीनू.
Great. Okay. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Yes. Willie Nelson. So, ये सिर्फ इस विली नेल्सन ने ही नहीं, सिर्फ इस ऑथर ने इस कोट को चूज करके उनकी ही गारंटी नहीं, ये हम सब जो मैजिक बुक जर्नी कर चुके हैं, चिंकी इज ऑन कॉल टुडे, सो शी इज फ्रॉम बैच 3, सो जो भी एक काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज कर चुके हैं वो खुद महसूस कर चुके हैं इस चीज़ को कि यस मैजिकल होती है ये चीज़, हमारी लाइफ कैसे टर्न हो जाती है, सिर्फ इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज है, सुबह उठ के 10 काउंट योर ब्लेसिंग, आई मीन 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और कैसे होती है चीज़ें अपने आप अच्छी पॉजिटिव नहीं पता, बट डेफिनेटली दिस एक्सरसाइज इज द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज एंड दैट इज़ वाई डायरेक्टली इसको चैप्टर नंबर 1 की पोजिशन दी गई है. ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है आज से. यस, यू विल हैव हर्ड पीपल से टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. कितने भी सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज या ये यूट्यूब पे जो आते रहते हैं छोटे छोटे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ये आप सुन के देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हर एक इंसान सुबह जल्दी उठता है, हर एक सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठता है. क्या है ऐसा सुबह जल्दी उठने में, हम खुद एक्सपीरियंस करने वाले हैं. डे 13 से हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं, अभी से टेंशन मत करो, डे 13 से उठने वाले हैं. जब हम खुद उठ के उसके एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे, सॉरी वो उन चीज़ों को, मैजिक को एक्सपीरियंस करेंगे ना, तब आप इस चीज़ पे बिलीव करने लगोगे कि यस वाकई में सुबह उठने से कुछ तो बात है, कुछ तो मैजिक है. योर होल लाइफ विल टर्न अराउंड व्हेन As soon as you get up, morning में आप उठते ही अपनी blessings count करते हो, उसमें कुछ तो बात है जो magics invite होते हैं हमारी life में. Yeah. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, suddenly ho jayega, pata hi nahi chalega kaise jo relationship jisme कड़वाहट थी वो कैसे अपने आप धीरे धीरे वैसी होती चली जा रही है जैसी आपका ड्रीम है. पता ही नहीं चलेगा कैसे वो जॉब जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बेमन से आप काम करने जाते थे, वो जॉब कैसे आपको अच्छी लगने लग जाती है और शायद आपकी ड्रीम जॉब आपके पास में आ जाएगी धीरे धीरे. कैसे होगा ये मैजिक, उसका लॉजिक ये है कि सुबह उठते एवरी थॉट एज अ वाइब्रेशन, ये हमने देख लिया है. राइस एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया आप में से कुछ लोगों ने, वो दीपक चोपड़ा वाला करा किसी ने वो ईयरप्लग्स के साथ में. आउट ऑफ दिस बैच 4 पीपल हैज एनीवन डन, प्लीज कीजिए. नॉट येट, प्लीज कीजिए उसको. एवरी थॉट हैज अ वाइब्रेशन, एवरी सेल रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट. सो जब वो क्या बोलते हैं, हमारी हर थॉट में वाइब्रेशन होता है, तो जब हम सुबह उठते ही पहली थॉट काउंट योर ब्लेसिंग वाली लेंगे, मतलब पॉजिटिव थॉट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना दिन पॉजिटिव थॉट के साथ में, तो अपना वाइब्रेशन, अपना ऑरा हम पॉजिटिव बना लेते हैं. एंड पॉजिटिव ऑरा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों को पॉजिटिव पीपल मिलेंगे, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, पॉजिटिव इवेंट्स मिलेंगे. जो आपसे लड़ाई करने के लिए सामने आएगा, सपोज कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, कोई तुतु मैं करने सामने आएगा, अचानक से उसका स्वभाव बदल जाएगा, आपका वे टू रिएक्ट बदल जाएगा, आपका वे टू रिस्पॉन्ड बदल जाएगा, एंड मैजिक्स होते चले जाएंगे. सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज ऑफ दिस होल बुक. यस, द फ्लिप साइड इज दैट व्हेन वी आर नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in line, delays, the government not
not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on the top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Yes. So, अगर हम blessings count नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग उसको taken for granted. Taken for granted मतलब उसकी ना acknowledgement, appreciation कर रहे हैं, ना acknowledge कर रहे हैं उस चीज़ को, वो भी एक तरीके से हम complain ही कर रहे हैं. Taking things for granted is as equal as complaining. One complain takes you 10 steps further from your dream destination. अगर आज आपकी relationship या money या हेल्थ की सिचुएशन ये इस जगह पे है और आपको यहाँ पहुँचना है, दिस इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन, ये डिस्टेंस दूर 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 होता चला जाएगा. जितनी आप शिकायतें करेंगे, जितना क्रिटिसिज्म करेंगे, जितनी कंप्लेंस करेंगे, ये दूर होता चला जाएगा. लेकिन इसको पास कौन लेके आ सकता है? ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड इज़ द ब्रिज बिटवीन योर करंट सर्कमस्टांस एंड योर फ्यूचर ड्रीम. दोनों का रास्ता पार करने का एक रास्ता है वो ग्रैटिट्यूड. लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब शिकायत कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो तो इसका मतलब वो दूर होते चले जाएंगे. ड्रीम डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना है, हेल्थ में, मनी में, रिलेशनशिप में, वो और दूर और दूर और दूर होती चले जाएगी. डिफॉल्ट सेटिंग हम लोगों की है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव क्रिटिसिज्म हमारे ना रग रग में बसा हुआ है. और तो और बेचारा वो क्रिकेटर जो शॉट खेल रहा होता है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं हम लोग. अबे खेलना नहीं आता, अबे भागना, अबे पकड़ना. ही इज़ अ हाईली स्किल्ड प्लेयर, दैट इज़ वाई ही इज़ देयर आउट देयर ऑन द फील्ड. मैदान में उतरा ही वो इसलिए है, उसको चूज़ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि वो हाईली स्किल्ड है. उसके ऊपर क्रिटिसिज्म, PM के ऊपर क्रिटिसिज्म, CM के ऊपर क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोई भी नया पॉलिसी आ गया उसके ऊपर क्रिटिसिज्म. कुछ कर दिया तो क्रिटिसिज्म, कुछ नहीं किया तो क्रिटिसिज्म. डे टू डे में मेड्स को लेके क्रिटिसिज्म. आई एम श्योर कोविड टाइम्स में ये ज़रूर थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ होगा उनकी इम्पॉर्टेंस, जब वो नहीं आ रही थी. बट स्टिल क्रिटिसिज्म का सबसे मतलब हॉट टॉपिक है हम सबके घरों में, मेड अच्छी नहीं है. दूसरा जो हॉट टॉपिक हमारे सबके घरों में रहता है, बच्चे. मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करता है, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, अरे तुम्हारा बच्चा ऐसे कर लेता है, मेरा कंपैरिजन, हमेशा कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन. वो ये वाली क्लास अटेंड कर रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? वो ये वाला एग्जाम दे रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? हस्बैंड्स की कंप्लेन, ओ फुल ऑन ना, हम सब करते हैं. सो जस्ट रिमेंबर नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर कंप्लेनिंग that it is taking you far 10 steps far from your dream destination. आपको ये सोचना है कि मैं जो अभी बोलने वाला हूँ या सॉरी बोलने वाली हूँ वो मुझे 10 कदम दूर लेके चला जाएगा मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन से. तो क्या ये इतना वाकई में ज़रूरी है कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज़ करना, या वो चीज़ नेगेटिव जो भी हमारे थॉट में आई है उसको मुँह से बाहर निकालना है? तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए. एवरी कंप्लेन, वन कंप्लेन एंड यू हैव टू राइट 10 ग्रेटिट्यूड्स. एक कंप्लेन का इम्पैक्ट जो हमारे ड्रीम पे हो जाता है उसको नलीफाई करने के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे. सो कंप्लेन बिल्कुल नहीं करनी है. विपासना के बारे में आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो. इट्स मतलब जो जिनसे मैंने किया है ना मेंटोर जो मेरी है, उनके पास में हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आते हैं, जैसे राजकुमार राव, जैसे ये बिजनेसमैन नहीं होते करोड़ों करोड़ों की जो डील्स लेके आते हैं, जिनको अपनी कोई डील पानी होती है वो उनके पास में आते हैं. सलमान खान हैज़ बीन हर लाइक सम टाइम के लिए रहा है उनका स्टूडेंट, राजकुमार राव रहा है उनका स्टूडेंट. सो उनको क्या किया मैम ने, 30 डेज के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सुनाई जाती हैं उनको, उनको पॉजिटिविटी के माहौल में रखा जाता है, उनका फ़ोन ले लिया जाता है उनसे, उनको उनके फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए मना कर दिया जाता है. दे आर नॉट अलाउड टू वॉच TV, पूरा आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं वो लोग. सो 30 डेज के लिए
अगर आपके राइट नाउ जो भी ड्रीम्स लिखे हैं आपने, उसमें से वाकई आपको कोई चीज वाकई चाहिए ही चाहिए, कहते हैं ना एकदम पागलपन की हद तक, दीवानगी की हद तक हमें वो चाहिए ही चाहिए, तो 30 डेज तक मुंह पे अपने ताला लगा लेंगे हम लोग, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे उस चीज़ की, कोई शिकायत नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि मेरा हाथ दुख रहा है, मेरे ये चीज़ ठीक नहीं चलती है, मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, फलाने को कैंसर है, फलाने को ये है. मत बोलो, जितना नेगेटिव आप, जितना आप बोले जा रहे हो उतना आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो. वॉट एवर यू टॉक, वो एनर्जी आप उसको वर्ड्स के थ्रू दे रहे हो. यस मंजू मासी, यू हैव समथिंग टू से? ओके, गलती से दब गया, ठीक है. आई एम लीविंग. ओके या ओके, बाय बाय. सो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, सो कुछ भी नेगेटिव अब आज की डेट से 30 डेज के लिए अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए, अगर हमें हमारे ड्रीम्स पाने हैं तो. और अगर एक भी निकली शिकायत तो 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है, बस यही इक्वेशन है, 1 शिकायत 10 ग्रैटिट्यूड. या बेटर टू लूज काउंट व्हाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स देन टू लूज योर ब्लेसिंग्स टू काउंट योर ट्रबल्स. काउंटिंग योर ट्रबल्स, सो इट इज ओके. अगर आप इसमें चैप्टर में तो आज अपन को 10 ब्लेसिंग्स लिखने को कहा जाएगा, इट इज ओके. 10 से आप 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, आप चाहे तो 50 भी लिख सकते हैं. एक बार आप जब सुबह उठते ही बैठे लिखने के लिए बैठते हो तो जितनी चाहे उतनी लिख सकते हो. फॉर्मेट अभी बता देगी ये किस फॉर्मेट में लिखना है. और इट इज ओके टू लूज काउंट ऑफ योर व्हाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स rather than losing your blessings, counting your troubles. Because troubles अगर हम count करते रहे तो हम, simple सी चीज़ है, आज जो मैंने video भेजा gratitude journal वाला, 2 बच्चों के लिए gift लेके जाते हैं, जो appreciate करता है हम दोबारा उसके लिए gift लेके जाना चाहेंगे, ना कि उस बच्चे के लिए कि जो शिकायत करता है या जो पसंद नहीं करता है उस चीज़ को, ये वाला gift क्यों लाए, वो वाला क्यों नहीं लाए, ये कलर क्यों दिया, वो कलर क्यों नहीं दिया, जो ये बोलेगा उसके लिए दोबारा gift लेके नहीं जाना चाहोगे आप. सिमिलरली यूनिवर्स भी, अगर आप थैंक यू नहीं बोलेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करेंगे, नियामतों को नहीं गिनोगे, तो वो देना बंद कर देंगी. सिंपल, दिस इज सिंपल. या मोनिका जी, समटाइम्स हमको पता ही नहीं होता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं. हमने कुछ गलती कर भी दी है, वी नेवर फेल, तो उसके पीछे हम बोलेंगे हमने तो गलती की नहीं है, हम तो गलत थे ही नहीं. प्रॉब्लम वहां हो जाती है. आप बोल रहे हैं ना कि एक अपन ने गलती करी तो उसके पीछे 10 आपको काउंट्स करना है. प्रॉब्लम होता है हमको रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं. अगर रियलाइजेशन नहीं है तो क्या बोलते हैं, सेफर साइड में ज्यादा ब्लेसिंग्स लिख देनी चाहिए फिर तो हमें. लाइक सेफर साइड में मतलब ऑलरेडी, मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड. यस ओके ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग. या मीनू, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली इन द डे एज यू कैन काउंट योर ब्लेसिंग्स. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal, and keep all your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Yeah. So first thing in the morning, मैंने highlight किया है. जैसे ही आप उठते हैं, मैं तो कहती हूँ कि gratitude जिसमें आप लिखने वाले हैं, gratitude journal जिसको, जो आपने most of you must have taken a new diary today. नहीं ली है तो कोई बात नहीं, जो भी डायरी ली है उसको आप बेड साइड पे रख के ही सोइए सुबह. फर्स्ट थिंग, मैं, मेरा टिप यही रहेगा, फर्स्ट थिंग डू दिस असाइनमेंट. उठ के टॉयलेट भी जाती हूँ ना मैं, तो मेरा दिमाग चालू हो जाता है कि अरे गीजर ऑन कर देती हूँ, अरे देख लेती हूँ एक बार किचन में कि बटर बार रख देती हूँ, कि ये कर लेती हूँ, कि वो कर लेती हूँ, दूध बार रख लेती हूँ, दिमाग चालू हो जाता है मेरा.
So rather than getting up from your bed, first thing, do this exercise, do this assignment. ये इन्होंने author ने लिखा है कि type it on a computer. I will not suggest that because computer पे type करने में आधे शब्द तो वो आजकल word हमारे को suggest ही कर देता है, हम लिखते ही नहीं है words पूरे पूरे. So it's better आप हाथ से लिखिए. वो neuro pathway जो हमने बचपन में 100 गलतियाँ, sorry, बचपन में 1 गलती करने से 100 बार लिख के सीखा है neuro pathway बनाना, वही कंटिन्यू कीजिए. काउंट योर ब्लेसिंग्स बाय राइटिंग योर जर्नल. जर्नल लिखने से सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग फास्ट होती है. सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव एज सून एज यू गेट अप तब होता है, एंड द मोमेंट यू आर अबाउट टू स्लीप तब होता है. सो सुबह की ट्रेनिंग हो रही है चैप्टर 1 की असाइनमेंट से, रात की ट्रेनिंग होगी चैप्टर 2 की असाइनमेंट से जो कि हम कल पढ़ेंगे. सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, ये हमने वर्कशॉप में पढ़ लिया है. इट इज़ सबकॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर डिसीजंस. आपका डिसीजन मेकिंग माइंड ज़रूर कॉन्शियस माइंड है, लेकिन उस डिसीजन को हाँ या ना में कन्वर्ट करा सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड. आपका रीजनिंग माइंड को भी फेल कर देता है सबकॉन्शियस माइंड. अगर आपका बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काटने से मेरा काम बिगड़ेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियस माइंड कितना भी बोल रहा हो कि लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक देगा, आपको आगे जाने नहीं देगा. सो दैट इज हाउ इट इम्पैक्ट्स योर डिसीजंस. कॉन्शियस माइंड के सारे डिसीजंस को ये इम्पैक्ट करता है. सो दैट इज वाई हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज करके और रात को मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करके जो कि हम कल सीखने वाले हैं. या संचिता, सो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड हेल्प्स अस टू चूज द बेस्ट फॉर आवरसेल्फ्स देन द कॉन्शियस माइंड. That depends on your belief. अगर आपका belief negative है तो वो best नहीं choose करवाएगा. अगर आपका belief positive है तो yes वो best choose करवाएगा. So हमको उसके belief positive बनाने हैं by doing these two exercises. All right. Thank you. Thank you. Yamino. Einstein. सो आइंस्टाइन जो कि हमने कल के चैप्टर में पढ़ा कि 100 थैंक यू देते थे एक दिन में. सो उसके साथ में वो क्या करते थे, ही थॉट अबाउट अ वाई. ऐड करने से आपकी फीलिंग्स इंक्रीज होती है, द डिग्री ऑफ योर फीलिंग इंक्रीज होती है, एंड इट इज़ द डिग्री ऑफ योर फीलिंग विच विल डिसाइड हाउ सून यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट. जितनी सिंसियरिटी, जितनी शिद्दत से आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, जितना हार्ट फेल्ट थैंक यू फील करेंगे किसी चीज़ के लिए, उतनी जल्दी जल्दी मैजिक्स आपकी लाइफ में आएंगे. कैसे लिखने हैं हम ब्लेसिंग्स, ऐसे. लेट्स रीड. हियर आर सम आइडियाज फॉर राइटिंग योर लिस्ट. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट बिकॉज व्हाई. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट बिकॉज व्हाई. I am truly grateful for what because why. With all my heart, thank you for what because why. Yeah, so ये template है. आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप mix. हिंदी लिखते लिखते बीच में मेरे तो इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, इंग्लिश लिखते लिखते बीच में हिंदी आ जाती है, 3 मेरे हिंदी में होते हैं, 4 मेरे इंग्लिश में होते हैं, फिर वापस हिंदी शुरू हो जाती है. सो इट डजेंट मैटर, द लैंग्वेज डजेंट मैटर. ऑल इट मैटर्स इज कि आप लिखो कि किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो और क्यों. एग्जाम्पल, मैं अपनी अंगुलियों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये मुझे लिखने में हेल्प करती है, मुझे एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है. एक, दो, एक्सप्रेस करने में, लिखने में हेल्प करती है. एक, एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है. दो, तीन, मुझे कुकिंग करने में हेल्प करती है. चार, मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ. मतलब देखो, एक अंगुली पकड़ी का टॉपिक पकड़ा मैंने तो 4 निकल गई ब्लेसिंग अभी 1 सेकेंड के अंदर. सिमिलरली आँखें, नाक, कान, अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोल सकते हो. टू द थिंग्स अराउंड, ये बॉटल जिसमें पानी गर्म रहता है, ये नहीं होता तो पानी गर्म नहीं पी पाती मैं. बार बार मैं क्या गैस पे पानी गर्म करने चली जाती. ये ग्लास जिसके थ्रू मैं पानी पी पाती हूँ. ये माउस जिसके थ्रू मैं ये कर्सर को मैनेज कर पाती हूँ. लैपटॉप जिसके थ्रू ये सेशंस हो रहे हैं. इतने मैजिकल, इतने लोगों तक ये मैजिक पहुँच रहा है बिकॉज ऑफ दिस. सो
हर एक चीज जो हमारे आसपास है उसको देख के आप सोचिए कि इसमें क्या चीज में कृतज्ञता, अभी तो देखो हमें आदत नहीं है तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। सो ढूंढिए कि अगर ये मोबाइल नहीं होता तो मैं मम्मी से बात कैसे करती, अगर एयरटेल हमारे अपार्टमेंट में सर्विसेज नहीं देता तो मैं बात कैसे करती, अगर वाईफाई वाला वाईफाई नहीं लगा पाता तो मैं सेशंस कैसे लेती। ऐसे ढूंढिए, अपने आसपास देखोगे ना हजारों हजारों लाखों नियामतें मिल जाएंगी आपको। ऑल यू हैव टू डू इज रियली सिट, शांति के माहौल में बैठ के लिखो, और शांति आपको तभी मिलेगी जब बाकी लोग सो रहे हैं और आप जाग रहे हो, और वो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप जब सो के उठते हो तुरंत लिख लो। उस समय बहुत कम लोग जागे रहते हैं आपके घर के, बहुत कम दीन दुनिया की क्या बोलते हैं ना ये क्रियाएं शुरू होती हैं, तो इसलिए इट्स बेटर टू डू इट एज सून एज यू गेट अप। या आफ्टर यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, गो बैक एंड रीड ईच वन either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic word 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. एक बार हम लोगों ने बैठ के help you feel more gratitude. एक बार हम लोगों ने बैठ के 10 blessings लिख ली, फिर first sentence आपने क्या लिखा है उसको पढ़ो, feel करो, खूब सारा gratitude feel करो और खूब सारा thank you. क्या बोलते हैं बोलो, 3 बार थैंक यू बोलना है मिनट से। पहली ब्लेसिंग पढ़ी, खूब सारा थैंक यू फील किया, 3 बार थैंक यू बोला, फिर दूसरी पढ़ी, खूब सारा थैंक यू फील किया, ग्रेटिट्यूड फील किया और 3 बार थैंक यू बोला। हर सेंटेंस के बाद में 3 बार थैंक यू बोलना है आपको। सो लाइक दैट अगर 10 लिखे आपने तो 30 थैंक यू बोलने हैं आपको। 3 का क्या चक्कर है, 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, क्या बोलते हैं हिंदी में सृजन, सृजन का नंबर है ये 3। सो एक नई चीज बना रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रेटफुलनेस की नई पगडंडी बना रहे हैं हम। सो 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, दैट इज वाई 3 times थैंक यू। सेकेंड रीजन, अपने हिंदुइज्म में ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 number, सो दैट्स हाउ यू कैन रिलेट। थर्ड रीजन, एक स्टडी की गई थी किसी यूनिवर्सिटी में, जब कोई एक बार थैंक यू बोलता है तो ऐसे ही हवा में उछाल देते हैं, यू नो यू रियली डोंट मीन इट, एहसास नहीं होता है उसका। 2 बार बोलते हैं तो फिर भी चलो होता है थोड़ा, लेकिन 3 बार बोलते हैं तो डेफिनेटली आप उसको फील कर रहे हो, तभी आप बोल रहे हो 3 बार थैंक यू। 3 बार ऐसे ही कोई थैंक यू नहीं बोलता है। सो दैट इज वाई 3 बार थैंक यू हर एक ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद में बोलना ही है हमको। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरी तो एक्चुअली आदत ही हो गई, मैं तो थैंक यू लिख ही देती हूँ साथ में। सो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन बोलना है जरूर उसको, एक बार वापस पढ़ना है और वापस 3 बार थैंक यू बोलना है खूब सारी फीलिंग्स के साथ में। अपना लॉजिक माइंड मत लगाना कि मैं लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ बोल दूंगी, नहीं मत लगाना ये लॉजिक माइंड। लिखने से ही आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में 33% चांसेस बढ़ेंगे, वो न्यूरो पाथवे फॉर्म होगा एंड दैट्स व्हेन द मैजिक विल हैपन। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude toward something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures whose symbol like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. So, अगर आप चाहो तो इस तरीके से sentence frame कर सकते हो, thank you God, जिस भी God को आप मानते हैं, राम लक्ष्मण सीता, जिसको भी आप direct करना चाहते हैं, पेरेंट्स को डायरेक्ट करना चाहते हैं, खुद को डायरेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को जिससे आपको फीलिंग्स आए, फीलिंग्स इंक्रीज हो जाती हैं जैसे ही मैं बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स, वो एक डायरेक्शन मिल जाता है मेरे ग्रैटिट्यूड को कि हाँ ग्रैटिट्यूड मैं उनको दे रही हूँ। सो थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, ये 2 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्ट योर ग्रैटिट्यूड टू एनीवन, किसी जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपका बिलीफ है, उनको आप अपने ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हैं कि थैंक यू राम, राम भगवान या जो भी बोलते हैं आप,
So thank you, God, for my fingers, because of which I am able to write and express. Thank you, God, for my fingers, because of which I am able to cook food and feed my family. ऐसे करके लिख सकते हैं. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes, अभी आपको शायद अभी सोचने में आ गया होगा already कि अरे रोज लिखनी है 10, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे 10. लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार आपको आदत हो गई ना ये ग्रेटफुलनेस की, ग्रेटफुलनेस देने की, तो पर्दे में, खिड़की में, हवा में, पानी में, फूड में, सब्जी में, कुक में, मेड में, हर किसी में ग्रेटफुलनेस ढूंढ लोगे आप लोग. मतलब यूं शुरू में हो सकता है आपको 20 मिनट लगे ये एक्सरसाइज करने में, लेटर ऑन तो 5-10 मिनट में ये एक्सरसाइज करके आप उठ भी जाएंगे. डेली लिखनी है अपने को ये 10 ब्लेसिंग्स स्टार्टिंग टुमारो मॉर्निंग, एज सुन एज यू गेट अप. मेरा टिप तो यही रहेगा, बेड पे बैठे बैठे ही लिख लो, उठो ही मत. आप अगर अलार्म 7 बजे का लगा के सो रहे हो तो प्लीज़ उसको 10 मिनट पीछे का कर लो, 6:50 पे उठो और ये ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज करने के बाद में ही अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन में काम स्टार्ट करो. इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है ये. पूरी बुक अगर हम नहीं पढ़े आगे, लेकिन ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंटिन्यू करें ना, तो भी कुछ महीनों में हमारा पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा, पूरा ग्रेटफुलनेस का, पॉजिटिविटी का ऑरा हो जाएगा. आज चाहे हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जैसा भी है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आप सुपर सुपर पॉजिटिव ऑरा में आ जाएंगे. यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर सेंसेस, योर आईज. नो, यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर होम. सॉरी, ये यहाँ से पढ़ना है. ओके, या You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be grateful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the planets, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. सो इन्होंने थोड़े से टिप्स दिए हैं ऑथर ने आपको, आपके साथ में पीडीएफ शेयर्ड है, आप चाहो तो अभी राइट नाउ स्क्रीनशॉट ले सकते हो. टॉपिक्स दिए इन्होंने कि किन किन चीज़ों के बारे में अपन अपनी कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ओशंस हैं, बर्ड्स हैं, सब अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी है. हर एक चीज़ जो इस कायनात ने बना के दी है हमको, इतनी सुंदर दुनिया, ये ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ जो दिया है हमें, हर चीज़ के लिए नियामत निकालो, ढूंढो, लिखो और थोड़ा डीप घुसना. ऐसे नहीं कि थैंक यू फॉर माय नोज़ जिसके कारण मैं सूंघ सकती हूँ, ऐसा मत करो. उस सेंस ऑफ स्मेल से आपको क्या क्या मिला है वो ढूंढो. एक दिन मेरे हस्बैंड ने फ्लावर्स ला के दिए थे, वाओ, मतलब वो मोमेंट ही हम दोनों के बीच में तब बना था जब मैं उस स्मेल को फील कर पा रही थी, उस सेंस ऑफ स्मेल की जो क्या बोलते हैं के लिए जो ग्रैटिट्यूड निकला मेरा, वो तभी निकला जब मैंने वो फील किया मोमेंट के लिए थैंकफुलनेस की, सच में आ सेंस ऑफ स्मेल है तो ये फ्लावर्स लेके आए हैं मेरे लिए, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, वो सुगंध से मुझे कितना अच्छा लग रहा है. सो सिमिलरली ना, थोड़ा डीप घुसना कि वाकई में अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होती तो क्या होता, तो इसलिए मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ये करती है. इस तरीके से थोड़ा सा लंबा हो जाए सेंटेंस कोई बात नहीं, लेकिन पूरी फीलिंग्स के साथ में लिखना. यस अचिता दीदी, यू टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट कैन बी मटेरियलिस्टिक टू से थैंक यू टू, व्हाट इफ यू वांट टू से थैंक यू टू आवरसेल्फ, फॉर एग्जांपल लाइक वी आर लिविंग. So a breath is helping us to take in oxygen and to give out carbon dioxide, right? Yes. तभी हम सांसें ले रहे हैं. So this is not materialistic, na? Thank you to the air. You can feel it. No, I'm talking about living your life. मतलब कि आज when I am breathing,
सो ये इट्स बिकॉज ऑफ द ब्रीथ दैट आई एम लिविंग. सो ये मटेरियलिस्टिक तो नहीं हुआ ना. थैंक यू टू द एयर बोलो ना फिर. अच्छा ओके ओके. फाइव जो अपने फाइव एलिमेंट्स है एयर वाटर फायर अर्थ एंड स्काई. सो पांचों को भी थैंक यू बोल सकते हैं ना अपन. पांचों अपने पांचों हैं तो अपन है ना. हम भी तो फाइव एलिमेंट्स से बने हुए हैं. सो यू कैन थैंक लाइक दैट. यू कैन वन डे यू कैन टेक ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एंड राइट ऑल द थैंकफुलनेस. एक सिर्फ एक अंगुली को लेके अभी अपन ने चार थैंकफुलनेस बता दी कॉल पे. सो सिमिलरली सोचो पूरे बॉडी पार्ट्स लेके बैठ जाएंगे अपन तो कितने सारे ब्लेसिंग्स काउंट कर लेंगे. सो एक दिन बॉडी पार्ट्स ले लो, एक दिन रिलेशनशिप्स ले लो, एक दिन मेड्स ले लो, एक दिन ओशियंस ले लो. ओशियन भी साथ है. सो हर एक ओशियन अपनी अपनी जगह पे नहीं होता तो फिर क्या होता. पानी नहीं होता टैप के लिए थैंक यू बोल सकते हैं. टैप ऑन करते ही पानी निकलता है, साफ पानी निकलता है. मतलब लोगों को तो कितने कितने किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए. साफ पानी मिल रहा है हमारे को तो. और किचन में बाथरूम में हर जगह आता है पानी. ऐसा नहीं है कि मुझे किचन के लिए पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है बाथरूम में पानी है. ऐसा नहीं है मेरे यहाँ पे. थैंक यू. या थैंक यू. थैंक यू फॉर आस्किंग. यस मीनू. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind with no computer technology in the world can duplicate? As I said, human body कोई लेके बैठ जाएंगे तो 500 blessings अपन एक ही दिन में count कर लेंगे. So अगर आपको help मिले तो एक topic पे ही लिखो. अगर आपको helpful नहीं लग रहा है तो various चीज़ें लिख सकते हो. बॉटल लिख सकते हो, फिर बीच में पानी का शुक्राना लिख सकते हो, फिर बीच में टेबल कुर्सी का लिख सकते हो, बीच में सोफे का लिख सकते हो. जैसे सुविधा बैठे आपके हो, जैसे उस समय आपका दिमाग में जो चीज़ याद आए थैंकफुलनेस के लिए उस चीज़ को थैंक यू दे सकते हैं उस समय आप. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessing to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet earth, air, water and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. So you should कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप काउंट योर ब्लेसिंग्स के लिए. मिक्सचर ले सकते हैं लव प्लस रिलेशनशिप प्लस मदर नेचर, ऐसे करके भी लिख सकते हो. डजेंट मैटर, एक ही सब्जेक्ट पे भी लिख सकते हो. सिर्फ हेल्थ पे लिख दिए आज, कल किसी और चीज़ पे लिख दिए. आज कोई घटना हुई है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ उसके ऊपर भी ब्लेसिंग्स लिख सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बाहर जाऊं और मेरे फ्रेंड्स के साथ में कुछ अच्छा समय बिता के आऊं तो मैं कल उसको भी काउंट कर सकती हूँ कि थैंक यू फॉर सच फन लविंग फ्रेंड्स जिनके कारण मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया. सो इस तरीके से भी आप पिछले दिन की भी ब्लेसिंग्स अगले दिन लिख सकते हो. यू शुड फील सिग्निफिकेंटली बेटर एंड हैप्पियर आफ्टर ईच टाइम यू काउंट योर ब्लेसिंग्स. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Absolutely. ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई देंगी. आपको एहसास होने लगेगा 3-4 दिनों के अंदर ही कि कैसे मैंने इस चीज़ को कृतज्ञता दी और ये चीज़ अब मेरी लाइफ में बढ़ती जा रही है. कैसे मैंने अपना थोड़ा सा पैटर्न ऑफ हाउ आई स्टार्ट माई डे चेंज किया और कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है. मैक्सिमम देखिएगा 4 दिन के अंदर आपको वाकई में कुछ ना कुछ फर्क लगने लगेगा. एंड हाउ गुड यू फील इज़ योर मेजर ऑफ हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू फेल्ट.
जितनी कृतज्ञता आप महसूस करेंगे उतनी खुशी होगी। आज की डेट में मेरे पास में 7 या 8 डायरीज भर गई हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, तो मैं कभी बैठ के अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल पढ़ती हूँ ना अपनी पुरानी, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ यार ये भी था, हाँ वो भी हुआ था, हाँ ये भी है, भगवान ने ये भी दिया है, वो भी दिया, मतलब खुशी से कभी कभी ना आँखें भर आती है मेरी इफ़ आई सिट अलोन एंड रीड द डायरीज। सो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो क्या बोलते हैं आंखें भरना या वो एक क्या बोलते हैं गूज़बम्स आना ये सब हो, लेकिन डेफिनेटली आपको जिस मूड से आप उठे हैं वो मूड आपका गुड हो जाएगा। जब आप काउंट योर ब्लेसिंग करोगे तो आप एक गुड मूड से अपनी दिन की शुरुआत करोगे और फिर योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर दैट थ्रू आउट द डे आपको सभी एक्सपीरियंसेस इसी तरीके के हों, सभी लोग इसी तरीके से आपसे बात करें कि आपका वो गुड मूड मेंटेन रहे, वही चीज अट्रैक्ट करेगा वो आपके लिए सिर्फ। मैजिक रिमाइंडर, मेक श्योर टू रीड टुमॉरोज मैजिकल प्रैक्टिस सम टाइम टुडे एज यू विल नीड टू डू समथिंग स्पेसिफिक बिफोर यू बिगिन टुमॉरो। वी विल रीड दैट। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। नंबर 2, write why you are grateful for each blessing. Number 3, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number 4, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for next 27 days. Number 5, read tomorrow's magical practice today. Yeah, thank you. थैंक यू मीनू फॉर रीडिंग। काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज आज से हमारी शुरू होती है, डेली ये करनी है। आपको स्टार्ट करना है सेंटेंस कुछ इस तरीके से, आई एम ग्रेटफुल फॉर, या आई एम थैंकफुल फॉर, या थैंक यू। सिर्फ 2 वर्ड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो सेंटेंस, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। किसी को आप डायरेक्ट कर सकते हो अपना ग्रेटिट्यूड अगर वो आपको ग्रेटिट्यूड फील करने में हेल्पफुल है तो। सो थैंक यू गॉड फॉर वॉट एंड वाई, किस चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं और क्यों। वाई ऐड करने से आपकी फीलिंग्स बहुत इंक्रीज होती है, डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है आपकी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसीज में। सो दैट इज़ वाई एडिंग अ वाई इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू करनी है थ्रू आउट आर जर्नी ऑफ नेक्स्ट 27 डेज। ओके, अब नाउ शी इज़ आस्किंग अस टू रीड टुमॉरोज मैजिकल असाइनमेंट टुडे। सो कल की असाइनमेंट आज पढ़ने के लिए बोली हैं। सो उसमें ये बोल रही हैं फाइंड अ मैजिक रॉक एंड पुट इट बाय योर बेड साइड। सो कैसी होनी चाहिए वो मैजिक रॉक, ये बोल रही है एक पत्थर चूज करो, कैसा होना चाहिए वो पत्थर, ऐसा। फर्स्ट फाइंड अ रॉक और अ स्टोन, चूज अ स्मॉल साइज दैट फिट्स इन योर पाम ऑफ योर हैंड एंड दैट यू कैन क्लोज योर फिंगर्स अराउंड। ऐसा एक पत्थर चूज करके लाना है आपको कल तक सेशन से पहले, या सेशन के बाद का मत रखिएगा प्लीज़, एक बार मुझे कल कॉल पे दिखा देना या तो, या फोटो खींच के भेज देना प्लीज़ मेरे को। कैसा पत्थर, जो हमारी मुट्ठी में आ जाए, इधर से निकल रहा है इधर से निकल रहा है ऐसा पत्थर नहीं लेना है, हमारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए। चूज अ रॉक दैट इज स्मूथ, स्मूथ होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, विदाउट शार्प एजेस, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. Smooth होना चाहिए पत्थर, वो आजकल decorations के लिए भी use करते हैं ना पत्थर, वो pebbles जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप use कर सकते हो। gemstone use नहीं कर सकते हो, diamond use कर सकते हो because diamond is a rock, लेकिन diamond चुभने वाली design का नहीं होना चाहिए, हाथ में जब आप लेते हो उसको तो वो चुभना नहीं चाहिए उसका design। सो डायमंड ले सकते हो लेकिन चुभना नहीं चाहिए, नहीं तो आप प्लीज़ गार्डन में जाइए। कहाँ से लाना है वो मैजिक रॉक, यू कैन फाइंड अ मैजिक रॉक फ्रॉम योर गार्डन इफ़ यू हैव वन, और फ्रॉम अ रिवर बेड, क्रीक, ओशियन और पार्क, कहीं से भी ला सकते हैं आप वो पत्थर, सड़क पे पड़ा हुआ कोई भी पत्थर आप चूज़ कर सकते हो। बस क्या होना चाहिए कि वो आपके हाथ में फिट होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रफ एजेस नहीं होने चाहिए उसकी,
हाथ में ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में कल क्या करना है, कल से हमें हर रात को एक एक्सरसाइज करनी है जो कि कल पढ़ेंगे उसके बारे में। इसकी थोड़ी बहुत फोटोज भेज दूंगी मैं जो पुराने पार्टिसिपेंट्स ने मेरे साथ में शेयर करी हुई है, कैसी होती है मैजिक रॉक, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और आप लोग भी जो चूज करो प्लीज मुझे फोटोज भेज के एक बार मतलब दिखा देना। Can you give यस some more ideas? कहाँ से? Because we are in Mumbai, locked in. We are not allowed to step down, step out of the house. तो कुछ और कुछ ऑप्शंस बताओ मैजिक रॉक। इंटीरियर का कुछ नहीं है, कुछ ऐसा जिसमें पत्थर यूज हुए हो, कोई प्लांट में कुछ में प्लांट्स में पत्थर नहीं होते ना यहाँ पर? नहीं, मतलब अपन डेकोरेट कर लेते हैं ना कभी कभी। नहीं है। Give some more ideas, मतलब try to think and maybe post it on the group or something. नहीं, लाना तो पत्थर ही है क्योंकि अर्थ एलिमेंट ही लाना है हमें, होना तो पत्थर ही चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन ले लिया या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं। अर्थ एलिमेंट लाना है हमें, हम फाइव एलिमेंट्स के शुक्राने। डायमंड सॉरी, इन द रिंग चल जाएगा? डायमंड इन द रिंग चल जाएगा अगर वो आपको चुभ नहीं रहा है तो। जैसे ये वाली मेरे डिजाइन चुभती है मेरे को, लेकिन ये वाली ठीक है फिर भी। अच्छा, तो ये सब चल जाएंगे ना? हाँ, चल जाएगा, चुभनी नहीं चाहिए। और प्लीज मेक श्योर कि ज्यादा चेंज ना करो आप लोग अपना मैजिक रॉक, बिकॉज इसमें हम कल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने वाले हैं इसको पकड़ के। तो इसमें अपन अपनी एनर्जीज मतलब भरने वाले हैं, ये एक अपन अपना जादुई पत्थर बनाने वाले हैं इसको। तो एक अच्छा सा चूज कर लो पहले दिन ही, ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहे। वैसे मेरे तो दो टूट चुके हैं, नींद में छूट जाता मेरे हाथ से। यस, एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू काउंट योर ब्लेसिंग या मैजिक रॉक कैसी चूज करनी है? ओके, वन मोर थिंग आई वाज थिंकिंग ऑफ आस्किंग व्हाइल रीडिंग। सो व्हेन वी आर गोइंग टू पे ग्रेटिट्यूड इन द मॉर्निंग, सो कैन दोस बी अ लिटिल हाइपोथेटिकल आल्सो, व्हाट वी वांट टू हैपन? लाइक मे बी इट्स नॉट करेंटली हैपनिंग इन आवर लाइफ, बट मे बी वी वांट दैट टू हैपन। वो तो एक तरीके से आपका अफर्मेशन हो गया, ओके, सो मतलब फॉर नॉट हैपन। एग्जाम्पल अगर अभी किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, पूछ रहे हो कि क्या अपन लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ऐसा। या तो वो आपका अफर्मेशन हो गया, वो अफर्मेशन ऑडियो में रिकॉर्ड करेंगे अपन। तो ओके, आप नॉट नाउ, अभी हाँ, वी आर व्हाट वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल ऑफ। यस ओके, पहले अपने पास्ट के शुक्राने कंप्लीट करो, नियामतें पूरी मतलब जो लाइबिलिटीज चढ़ गई हैं हमारे सर पे वो सारे खत्म करें अपन, तब जाके तो नया अकाउंट शुरू होगा ना अपना। तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आप सोच के सोचने बैठेंगे तब। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, ग्रेट। सबने अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं आज आज में, प्लीज ड्रीम जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि उसी बेसिस पे अपने अफर्मेशंस बनेंगे। अफर्मेशन के लिए मैंने बैच में, सॉरी बैच 4 के व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी मैंने जो फोटोज स्क्रीनशॉट्स भेजे कि यूट्यूब के चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे एक अफर्मेशन का फोल्डर है। आपके ड्रीम को कौन सा अफर्मेशन सूट होता है प्लीज आज से डायरी में एक अलग पेज पे नोट डाउन करना शुरू कर दो। ऐसे करते करते अपन तकरीबन 50 एक अफर्मेशन जब लिख लो तब उनको अपन रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। जैसे आपका ड्रीम एरिया है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप वाले ऑडियो में जाओ और उसमें से कौन सा पॉइंट आपके ड्रीम को सूट करता है वो लिख लो अलग से। किसी का पैसों का है तो पैसे वाले ऑडियो में जाओ, मेरे ख्याल से वो तो सारे एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो, तो वो सारे लिख लो आप अपने डायरी में एक बार, एक जगह पे लिख लो, एक जगह कर लो अपने सारे अफर्मेशन। फिर किसी का ड्रीम है घर का, तो मैंने शायद उसमें अपलोड नहीं किया है, हाँ नहीं किया है। रिलेशनशिप का मिल जाएगा आपको, सोलमेट का मिल जाएगा, मतलब जिनको शादी नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको सोलमेट का मिल जाएगा। सेल्फ लव का मिल जाएंगे आपको, हेल्थ के मिल जाएंगे, आइडियल वेट के मिल जाएंगे, फिटनेस के मिल जाएंगे। इस तरीके से ढूंढिएगा उसमें फोल्डर में, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। या नीरू भाभी शोइंग मी समथिंग, इज दैट अ रॉक, ये पत्थर है क्या? नहीं, कांच टाइप का है? मार्बल? नहीं, मार्बल नहीं चलेगा, मार्बल नहीं? नहीं, मार्बल नहीं चलेगा, मार्बल नहीं चलेगा, जेमस्टोन नहीं चलेगा। और ये क्या होता है एक और, क्या वो ट्रांसपेरेंट सा कुछ होता है ना, क्रिस्टल, क्रिस्टल नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। हाँ नहीं, वो नहीं चलेगा भाभी,
रॉक ही ढूंढने पड़ेगी आपको. ठीक है, यस. चलो फिर वाइंड अप करते हैं. अफर्मेशंस आप लोग नोट डाउन करना शुरू करिए. उससे पहले पहले ड्रीम लिखिए अपने सारे. एक बार अगर आप मेरे से क्या बोलते हैं चेक करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए. फ्री रहती हूँ वैसे तो मोस्टली. नहीं होंगी तो आई विल गिव यू लाइक सेंड यू अ मैसेज कि कब अपन बात कर सकते हैं. ठीक है, चलो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग.